जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिस पर आप गूगल के द्वारा भी अपने यूट्यूब पर बहुत सारे व्यूज को ला सकते हैं। अगर आपका वीडियो शॉर्ट वीडियो हो या किसी भी प्रकार का वीडियो हो, तो आप इस ट्रिक को अप्लाई करने के बाद आपके वीडियो पर बहुत सारे व्यूज तो आएंगे, साथ में सब्सक्राइबर भी आने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे और भी नए वीडियो मिलते रहे। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया हूँ। अब आपको क्या करना है, अगर दोस्तों आप गूगल से अपने यूट्यूब वीडियो पर बहुत सारे व्यूज लाना चाहते हैं, अपने वीडियो को वायरल करना चाहते हैं, तो इसके लिए पहले आपको पहले गूगल को ओपन कर देना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैं अपना गूगल को ओपन कर देता हूँ। तो देन यहाँ पर गूगल को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर ऊपर जिस कैटेगरी का जो आपका चैनल है उससे संबंधित आपको टाइटल को सर्च करना है। जैसे कि दोस्तों आपका चैनल है कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, आपका वीडियो है, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाए। तो यहाँ पर मैंने सर्च करते ही मेरे सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे टाइटल आ चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों जो पॉपुलर एल्सो जो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे आए हैं जो टैग और डिस्क्रिप्शन में डालने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हो यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन है, ये आपको सारे कॉपी कर देना जो हिंदी में है। अब दोस्तों थोड़ा सा नीचे स्लाइड करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं पॉपुलर सर्चिंग फॉर यहाँ पर भी है, जो आपको इसको भी कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर जो वीडियो है आप अपलोड कर रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको जो टैग लगाते हैं उसको भी, यही टैग आपको उसके अंदर भी लगाना है। उसके बाद आप देखिए आपका वीडियो 100% वायरल होगा, और अगर आपका शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो हो तो आपको बहुत सारे व्यूज आएंगे। दोस्तों आज का ये छोटा सा जानकारी थी, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।